हेलो एवरीवन वेलकम टू के वी टीचर्स गिड सो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्लास मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फन विद नंबर्स सो फर्स्ट लुक एट द गिनलडी ये एक गिनलड़ी आपको दी है बहुत सारे बीज लगाए गए हैं एक धागे में फर्स्ट इज हाउ मेनी बीज आर देयर इन गिन लड़ी इस गिन लड़ी में टोटल कितने बीज्स हैं तो देखते हैं दो कलर के बीच इसमें हैं येलो एंड ब्लू पहले येलो बीच को काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन येलो बीच हैं देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन ब्लू बीच हैं फिर से टेन येलो है फिर से टेन ब्लू है वन बाई वन बाय वन इनको काउंट नहीं करते ऐसे काउंट करते हैं टेन देन ट्वेंटी थर्टी थर्टी प्लस टेन ये फोर्टी हो जाएंगे देन फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी देन नाइन्टी एंड वन हंड्रेड सो इसमें गिन लड़ी में टोटल वन हंड्रेड बीच हैं यहाँ पर आप लिखेंगे वन हंड्रेड नेक्स्ट इज देर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गलड़ी गिनलड़ी पर आप देखेंगे ये कार्ड लगा है इस पर लिखा है ट्वेंटी टू और कुछ ब्लैंक कार्ड्स भी है जैसे ये ब्लैंक है ये ब्लैंक है ब्लैंक राइट द नंबर्स ऑन देम इनके ऊपर आपको नंबर्स लिखने हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बीड्स नंबर ऑफ बीड्स को काउंट करके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो कार्ड लगा है ये ट्वेंट से पहले ट्वेंटी टू बीज हैं अब उसमें भी आपको वन बाई वन काउंट नहीं करना है देखिए ये टेन बीच देन फिर से टेन टेन एंड टेन ट्वेंटी और फिर दो बीच ट्वेंटी टू ओके इसी तरीके से हम काउंट करेंगे अगर ये देखना है आपको ये कार्ड कहाँ पर लगा है तो देखते हैं स्टार्टिंग से टेन ट्वेंटी थर्टी और फिर यहाँ पर कितने बीच हैं थर्टी के बाद थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स तो ये है थर्टी सिक्स नंबर पर यहाँ पर आप लिखेंगे थर्टी सिक्स ओके नेक्स्ट नाउ अभी नेक्स्ट को देखते हैं ये यहाँ तक थर्टी थे टेन ट्वेंटी थर्टी देन फोर्टी और फोर्टी के बाद फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी एट के बाद ये दूसरा नंबर है कार्ड है सो so यहाँ पर आप लिखेंगे फोर्टी एट ओके नेक्स्ट नाउ फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी ये फिफ्टी हो गया फिफ्टी इसके बाद है फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फ़ोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स दिस इज़ फिफ्टी सिक्स सिक्स ओके नेक्स्ट नाउ फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी यहाँ तक सिक्सटी हो गए सिक्सटी के बाद फिर से टेन है ये हो जाएंगे सेवेंटी सेवेंटी के बाद सेवेंटी वन सेवनटी टू आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी देखिए ये पूरे एटी होने चाहिए ये एटी से एक बीड पहले लगा है ये वाला जो कार्ड है सो एटी से कम कर दीजिए एक बीड को माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा सेवेंटी नाइन ये भी आप कर सकते हैं या फिर वन बाय वन काउंट कर लीजिए सेवेंटी सेवनटी वन सेवनटी टू सेवनटी थ्री सेवनटी फोर सेवनटी फाइव सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन सेवनटी एट सेवेंटी नाइन सो ये कार्ड है सेवनटी नाइन नंबर के बाद सेवेंटी नाइन बीज के बाद ओके नाउ नेक्स्ट सेवेंटी नाइन एंड वन एटी यहाँ तक एटी बीज कंप्लीट हो गए देन एटी वन एटी टू एटी थ्री एटी फोर एटी फाइव ये है एटी फाइव के बाद तो यहाँ पर आप लिखेंगे एटी फाइव ओके एंड दैट्स ऑल इस तरीके से सभी कार्ड्स आपको सभी कार्ड्स पर नंबर लिखने हैं इनसे पहले कितने बीज हैं नेक्स्ट इज मेक नंबर कार्ड्स आप खुद के नंबर कार्ड्स आप बनाएंगे फॉर द फॉलोइंग नंबर्स इन नंबर्स के लिए एंड प्लेस देम ऑन योर गिन लड़ी और इस गिन लड़ी में आपको नंबर्स को प्लेस करना है सो फर्स्ट इज थर्टी एट देखिए थर्टी एट कहाँ पर आएगा सो दिस इज ये टेन बीट्स हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी पर नहीं जाना थर्टी एट अच्छा वैसे हमें ये पता है थर्टी सिक्स है ना तो थर्टी सेवन थर्टी एट दो बीड्स के बाद यहाँ पर लगेगा थर्टी एट का कार्ड यहाँ पर एक कार्ड आप खुद से बनाएंगे ऐसे और फिर उसके अंदर नंबर लिखेंगे थर्टी एट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर इज फोर्टी फोर सो फोर्टी फोर ये देखिए थर्टी एट है थर्टी नाइन फोर्टी यहाँ तक फोर्टी कंप्लीट हो गए फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर यहां पर लगेगा फोर्टी फोर का कार्ड वन टू थ्री फोर यहाँ इधर लगाते हैं फोर्टी फोर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज फिफ्टी एट सो आप देखिए ये फिफ्टी फाइव है यहाँ पर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट सॉरी फिफ्टी सिक्स है यहाँ पर ये फिफ्टी सिक्स का कार्ड है फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट दो बीड आगे फिफ्टी एट का कार्ड लग जाएगा सो so, यहां पर आप रखेंगे कार्ड ऑफ नंबर फिफ्टी एट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव देखते हैं ओके ना फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी ये सिक्सटी कम्प्लीट हो गए सिक्सटी के बाद फाइव बीट्स और काउंट कर लीजिए सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव तो यहाँ पर हम लगाएंगे यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव इसके बाद सिक्सटी फाइव का कार्ड सिक्सटी फाइव नेक्स्ट इज नाइन्टी एट नाइन्टी एट कहाँ लगेगा वन हंड्रेड से दो पहले या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं ये एटी फाइव का कार्ड था एटी सिक्स एटी सेवन एटी एट एटी नाइन 97, 98 यहां लगेगा ये. 98 हो लगेगा आपको काउंट करने की जरूरत नहीं थी दूसरा क्या तरीका है आपको पता है ये टोटल हंड्रेड बीड्स हैं हंड्रेड से एक माइनस करेंगे नाइन्टी नाइन हो गए नाइन्टी नाइन से एक और माइनस करेंगे अब ये नाइन्टी एट है सभी तो यहाँ पर लगना है कार्ड ऑफ नंबर नाइन्टी एट ओके चलिए इस तरीके से ये गिन लड़ी आपको कंप्लीट करनी है नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज द बटरफ्लाई मूव्स, लुक एट द नंबर स्ट्रिप अभी इधर आपको नंबर स्ट्रिप गिवन है ये देखिए यहाँ पर फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फोर्टी नाइन से स्टार्ट हुई है ये स्टार्टिंग से नहीं वन टू थ्री से नहीं सो फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी हंड्रेड तक नंबर्स हैं इसमें ओके okay. बीच में आप देखेंगे यहां पर एक ये बटरफ्लाई है फिफ्टी टू नंबर पर फिफ्टी एट नंबर पर फ्लावर है देन सिक्सटी एट पर एक फ्रॉग है सेवनटी एट पर एक बी है एटी थ्री पर एक और रेड फ्लावर है एटी एट पर येलो फ्लावर है नाइन्टी फाइव पर एक स्क्वेरल है तो पहला क्वेश्चन है लुक एट सॉरी द बटरफ्लाई मूव्स ब्लैंक स्टेप्स फॉरवर्ड लुक एट द नंबर द ब्लैंक द बटरफ्लाई मूव्स ब्लैंक स्टेप्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बटरफ्लाई कितने स्टेप्स आगे जाए टू रीच द पिंक फ्लावर ताकि वो पिंक फ्लावर तक पहुंच जाए अभी वो यहां पर है यहां पर पिंक फ्लावर है कितने स्टेप्स आगे जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आप लिखेंगे सिक्स स्टेप्स सिक्स ओके नेक्स्ट नाउ द हनी बी मूव्स ब्लैंक स्टेप्स फॉर्वर्ड हनी बी मूव करेगी कितने स्टेप्स आगे टू रीच द रेड फ्लावर रेड फ्लावर पर जाने के लिए सो so ये हनी बी है यहाँ पर रेड फ्लावर है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्टेप्स वो आगे जाएगी हनी बी मूव्स फाइव स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर एंड ब्लैंक स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर येलो फ्लावर पर जाने के लिए कितने स्टेप्स उसको आगे जाना है सो so, यहाँ पर है बी यहाँ पर है येलो फ्लावर सेवेंटी एट एटी एट सेवेंटी एट से एटी एट पर पहुंचने के लिए देखते हैं कितने नंबर्स आगे जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव डेड फ्लावर आ गया बीच में सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नंबर्स सेवेंटी एट से एटी एट पर जाने के लिए टेन स्टेप्स उसको आगे जाना है नेक्स्ट इज द स्क्वेरल जम्प्स टू स्टेप्स बैकवर्ड स्क्विरल दो स्टेप्स बैकवर्ड जंप करती है मतलब वो कहाँ पर है अभी नाइन्टी थ्री पर फाइव स्टेप्स फॉरवर्ड फाइव स्टेप्स फिर आगे जाती है अब यहाँ से फाइव स्टेप्स आगे जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव एंड अगेन थ्री स्टेप्स बैकवर्ड फिर से तीन स्टेप्स पीछे आएगी पीछे मतलब ऐसे वन टू थ्री तो वो वापस कहाँ जाएगी नाइनटी फाइव पर ही आ जाएगी टू रीच कहाँ पहुंचेगी वो टू रीच नाइन्टी Okay. पहले टू फॉरवर्ड फाइव बैकवर्ड सॉरी यह पीछे थ्री पीछे one, two, three, तो जहां पर थी वापिस वही नाउ द फ्रॉक जम्प टू स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉक जंप करता है दो स्टेप फॉरवर्ड आगे की तरफ ओके वन टू सेवेंटी पर आ गया स्टेप्स बैकवर्ड फिर यहाँ से सात स्टेप्स पीछे जाता है ठीक है सेवेंटी से सात पीछे जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कहाँ पहुँचा सिक्सटी थ्री पर सॉरी uh, ये इसका आंसर था नाइनटी फाइव एंड थ्री स्टेप्स बैकवर्ड तीन स्टेप्स फिर से बैकवर्ड जाएगा थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ये एक्चुअली नाइन्टी फाइव स्क्वेल वाले, वाले क्वेश्चन का आंसर था फाइव ओके अब फ्रॉग वाले में है द फ्रॉग जम्प्स टू स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉग आया दो स्टेप्स फॉरवर्ड सिक्सटी एट से सेवेंटी पर आ गया सेवन स्टेप्स बैकवर्ड सेवन वापस गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कहाँ पहुँचा सिक्सटी थ्री पर एंड थ्री स्टेप्स बैकवर्ड फिर थ्री स्टेप्स बैक गया यहाँ से पीछे वन टू थ्री तो कहां पर पहुंचेगा वो टू रीच एट सिक्सटी सिक्सटी ओके टू फॉरवर्ड मतलब एट सेवेंटी एंड देन सेवन पीछे सिक्सटी थ्री एंड देन फिर से थ्री पीछे सिक्सटी नेक्स्ट ओके ये इसके आंसर्स हैं चलिए आगे आते हैं लेटेस्ट प्ले गेस माई नंबर अ चाइल्ड थिंग्स ऑफ अ नंबर एक बच्चा कोई भी नंबर सोचेगा एंड अदर चिल्ड्रन हैव टू गेस इट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो गेस करेंगे कि क्या वो नंबर हो सकता है देन चिल्ड्रेन विल लास्ट क्वेश्चन लाइक आप जिस बच्चे ने गेस किया है उससे क्वेश्चन पूछेंगे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ मोर इज इट मोर दैन फिफ्टी क्या जो नंबर तुमने सोचा है वो फिफ्टी से ज़्यादा है आर द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर सेम क्या दोनों डिजिट सेम हैं क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन येस और नो वही क्वेश्चन पूछने हैं जो येस और नो में आंसर किए जा सके दे कैन आस मैक्मम टेन क्वेश्चन मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा आप टेन ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे ज्यादा नहीं टू गेस द नंबर और फिर फाइनली आपको नंबर गेस करना है फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने थर्टी सोचा तो इसने पूछा इज इट मोर दैन फोर्टी क्या ये फोर्टी से ज्यादा है तो ये क्या आंसर करेगी नो no. फोर्टी से ज्यादा नहीं है डज इट हैीरोज अ डिजिट क्या उसमें ज़ीरो है थर्टी में ज़ीरो है सो so ये कहेगी यस yes. इज़ इट लेस दैन ट्वेंटी क्या ये ट्वेंटी से लेस है ट्वेंटी से लेस नहीं है सो ये बोलेगी नो उनको पता लग जाएगा फोर्टी से लेस है ट्वेंटी से लेस नहीं है और जीरो भी आती है नंबर में मीन्स द नंबर इज थर्टी ओके गेम आपको क्लास में खेलना है कोई भी एक बच्चा नंबर सोचेगा आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे क्या वो सिक्सटी से लेस है या फिर सेवेंटी से लेस है और फिर क्या उसके उसमें कोई यूनिट डिजिट ज़ीरो है क्या उसमें कोई डिजिट फाइव है इस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं वो यस और नो में आंसर करेगा एंड देन फाइनली आपको बताना है कि उसने क्या नंबर सोचा है नाउ गेस माय प्लेस थ्री एंड्स आर सिटिंग ऑन अ नंबर लाइन ये एक नंबर लाइन है तीन एंड्स यहाँ पर बैठी है ब्लैक ऑरेंज रेड एंड और ये ब्राउन एंड नाउ राइट द नंबर्स फॉर दीज एंड्स इनके लिए आपको नंबर्स लिखने हैं आपको पता है यहाँ पर ट्वेंटी है फिर कोई नंबर यहाँ पर है फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचते हैं यहाँ पर ट्वेंटी वन है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फ़ाइव फिर तो यहाँ ट्वेंटी सिक्स होना चाहिए था यहाँ पर तो एटी है मतलब ऐसा नहीं है कुछ और तरीके से नंबर्स हैं वन वन के गैप पर नहीं है ट्वेंटी के बाद सोचते हैं यहाँ पर थर्टी है देन फोटी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी ये करेक्ट है क्योंकि ट्वेंटी है फिर एटी है कितने फाइव नंबर्स के बाद तो ज़रूर यहाँ पर थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एंड एटी होगा अब आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन के पहले लिख लीजिए थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एंड फाइनली नेक्स्ट नंबर जो गिवन है एटी फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक ब्लैक एंड इज़ सिटिंग ऑन द नंबर ब्लैक एंड किस नंबर पर बैठी है वो बैठी है नंबर थर्टी पर एट नंबर थर्टी नेक्स्ट इज रेड एंड इज सिटिंग ऑन द नंबर रेड एंट कौन से नंबर पर बैठी है वो है फिफ्टी पर ब्राउन एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर ब्राउन एंट है 60 पर ओके नेक्स्ट ड्रॉ एन एंट ऑन नंबर सिक्सटी फाइव ऑन द नंबर लाइन शोन अबव अबव ऊपर जो नंबर लाइन दी गई है उसमें एक एंट ड्रॉ करिए सिक्सटी फाइव पर अब सोचिए सिक्सटी फाइव कहाँ होगा ये सिक्सटी है ये सेवेंटी है अब 65, 60 से तो ग्रेटर है सेवेंटी से लेस है तो मतलब वो सिक्सटी और सेवेंटी के बीच में होगा तो यहां पर आप एक एंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे ही जैसे ये है ओके दिस इज़ नेक्स्ट नाउ ड्रॉ अ शुगर क्यूब एक शुगर क्यूब आपको ड्रॉ करना है ऑन सेवेंटी नाइन ऑन द नंबर लाइन शोन अबव इस नंबर लाइन में सेवेंटी नाइन पर आपको एक uh, शुगर क्यूब ड्रॉ करना है सेवेंटी नाइन कहाँ है सेवेंटी नाइन एटी से जस्ट पहले है तो जस्ट थोड़े से गैप के पहले यहाँ पर आप एक शुगर क्यूब ड्रॉ करेंगे बीच में नहीं करेंगे सेवेंटी और एटी के बीच में आएगा सेवेंटी फाइव हमें ड्रॉ करना है सेवेंटी नाइन ओके तो ये है यहाँ पर नंबर सेवेंटी नाइन और आप ड्रॉ करेंगे आइस क्यूब सॉरी शुगर क्यूब ये है शुगर क्यूब ओके नेक्स्ट सेवेंटी नाइन लिख देते हैं यहां पर नाइन नाउ आगे आते हैं नाउ लुक हाउ जंपी द फ्रॉग इज जंपिंग ये जंपी फ्रॉग है देखिए कैसे ये जंप करता है टू से जंप करता है फोर पर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन यानी कि एक नंबर को स्किप कर रहा है बीच में नेक्स्ट नंबर पर जंप करता है डू यू ऑब्जर्व अ पैटर्न हेयर यहाँ पर एक पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया बिल्कुल किया दैट ही इज द जम्पी इज जम्पी फ्रॉग इज स्किपिंग वन नंबर इन बिटवीन दो नंबर्स के बीच में जंप्स के बीच में वो एक नंबर स्किप करता है टू टू फोर फोर टू सिक्स सिक्स टू एट एट टू टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद वो कहाँ जंप करेगा ट्वेंटी वन पर नहीं करेगा उसको स्किप करके ट्वेंटी टू पर करेगा नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री को स्किप करके ट्वेंटी फोर देन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट इस तरीके से नाउ नीचे देखिए कैसे जंप करता है थ्री टू सिक्स दो नंबर अभी उसने स्किप किए हैं फोर एंड फाइव सिक्स टू नाइन ये दो छोड़ दिए देन नाइन टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू फिफ्टीन फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन सेवेंटीन नहीं एटीन एटीन के बाद कहा जाएगा नाइनटीन ट्वेंटी नहीं ट्वेंटी वन अगर टेबल्स आपको आती हो तो आप देखेंगे थ्री की टेबल पर जंप करता है एक्चुअली थ्री वन सिक्स थ्री थ्री टू जार सिक्स थ्री थ्री जार नाइन थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व थ्री फाइव जार फिफ्टीन थ्री सिक्स जार एटीन थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन नेक्स्ट थ्री एट ज़ार ट्वेंटी फोर नेक्स्ट ट्वेंटी फोर पर करेगा थ्री नाइन जार ट्वेंटी सेवन पर करेगा क्लियर नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न ये पैटर्न आपको खुद से कंप्लीट करना है सो so, देखिए यहाँ पर उसने जंप किया वन वन टू फोर यानि कि दो नंबर्स को स्किप किया है फोर टू सेवन फिर दो नंबर्स को स्किप किया अब आपको भी दो नंबर्स को स्किप करना है एट और नाइन को हम स्किप करेंगे और फ्रॉग कहाँ जम करेगा एट नंबर टेन टेन, टेन देन। के बाद इलेवन ट्वेल्व नहीं डायरेक्ट ऑन थर्टीन देन फोर्टीन फिफ्टीन नहीं सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नहीं नाइनटीन ओके okay? इस तरीके से इसे आप कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट नीचे नंबर्स भी लिखने हैं सो वन फोर सेवन सेवन के बाद कौन सा नंबर है एट नाइन नहीं टेन देन थर्टीन देन सिक्सटीन और उसके बाद है नाइनटीन ओके okay? ये जिन पर उसने जंप किया है नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव टू फोर 50 से जम्प करेगा फिफ्टी सिक्स नहीं फिफ्टी सेवन नहीं फिफ्टी एट नहीं फिफ्टी नाइन नहीं, नहीं डायरेक्ट ऑन 60 60, then 65, then 70, then 75. अब नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हैं 75 फाइव के बाद वो जंप करेगा ऑन एटी एटी के बाद एटी फाइव देन नाइनटी नाइनटी फाइव हंड्रेड क्लियर ओके नीचे नंबर्स आपको फिल करने हैं सो so यहाँ पर फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी देन फिफ्टी फाइव फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव नेक्स्ट आप देखिए फिफ्टी टू सिक्सटी नाइन नंबर स्किप किए सिक्सटी टू सेवेंटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एटी एटी टू नाइन्टी और नाइन्टी के बाद अगर आपसे पूछे नाइन्टी से जाएगा सीधा वन हंड्रेड पर फिफ्टी सिक्सटी देन सेवेंटी एटी नाइन्टी क्लियर तो इस तरीके से ये आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे जो जंपी फ्रॉग है उसकी जंप्स नेक्स्ट नाउ लेट अस डू आई थिंक रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ये बैकवर्ड जंपिंग है सो so, अभी के लिए इतना ही होपफुली यहाँ तक चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग